आसमान से फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है ये आइलैंड। यहाँ बिछा है पत्थर की दीवारों का जाल। जानिए इसके बारे में हैरान करने वाली बातें। हम सब ने दुनिया में बहुत से कलाकार देखे होंगे जिनकी कला हैरान कर देने वाली होती है, लेकिन दोस्तों प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें और जगह हैं जिनकी बनावट चौंका देने वाली होती है। और यही कारण है कि ऐसी जगहें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऐसी ही एक जगह है क्रोएशिया का आइलैंड, जो देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही इसकी बनावट इसे बाकी आइलैंड से काफी अलग बनाती है। यही वजह है कि पर्यटक इसे देखने के लिए अपने आप ही खींचे चले आते हैं। सागर के बीचों बीच बसे इस आइलैंड में ऐसा क्या खास है, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह में से एक क्रोएशिया आइलैंड के बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं। दोस्तों, दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन में पानोनियन के मैदान और भूमध्य सागर के बीच बसा हुआ एक छोटा सा देश क्रोएशिया बेल्जोनिक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 0.14 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले हुए इस आइलैंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती के लिए किया जाता है। इस द्वीप पर सदियों पुराने पत्थरों की दीवार का जाल फैला हुआ है। सागर के बीचों बीच बसा ये आइलैंड ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे नीले पेपर पर किसी इंसान ने फिंगरप्रिंट दिया हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन दीवारों को एक साथ आपस में मिला दिया जाए तो इनकी दूरी करीब 23 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। 1800 साल पुरानी इन दीवारों को बड़ी ही सावधानी से एक दूसरे से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि किसानों ने फसलों को तेज हवाओं से बचाने के लिए इन पत्थरों की दीवारों का निर्माण किया था, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक समय इस द्वीप पर लोगों का रहना मुश्किल था, इसलिए यहाँ सिर्फ खेती ही की जाती थी, लेकिन आज ये आइलैंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। 2018 में इस आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज ये जगह इतनी चर्चा में है कि ये पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। लोग यहाँ घूमने आते हैं और इस खूबसूरत से आइलैंड की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करके अपने साथ अपने देश ले जाते हैं। दोस्तों, आप कभी प्रकृति को करीब से जानने और समझने के लिए कहीं प्राकृतिक स्थल में घूमने गए हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको एक बार मौका मिले तो आप कहाँ घूमने जाना चाहेंगे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह के वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आप देखते रहिए यू थिंक हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।